हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है पॉइंट टेक चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताएंगे आप लोग किस प्रकार अपने मैसेज को बंद कर सकते हैं, यानी कैसे ऑफ कर सकते हैं। जो किसी प्रकार का बंदा जैसे कि आपके यहाँ मैसेज कर तो बिल्कुल फेल्ड बताएगा, यानी आपका फोन बंद है। इस प्रकार की आप लोग अपने फोन में सेटिंग करना चाहते हैं, वीडियो बने वीडियो कम्प्लीट देखिए। आप लोग को मोबाइल डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले चल वो दिखाएंगे किस प्रकार सेटिंग करना और कैसे क्या करना है। सारी कम्प्लीट प्रोसेस की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो बने वीडियो कम्प्लीट तक देखते रहिए। सो गाइस, मेरा नाम है पवन कुमार, आप देख रहे हैं पवन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि YouTube से रिलेटेड आप लोगों को इस चैनल वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। सो गाइस, चलिए बिना समय के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग अपने फ़ोन में जैसे कि वो सेटिंग ऑफ करना चाहते हैं, गाइस आप लोगों को सिंपली से अपने इनबॉक्स पे क्लिक करना है। इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं गाइस, आप लोग वहाँ पे एक ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे सिंपली से क्लिक करना और आप लोगों को दो ऑफलाइन ऑप्शन मिल जाएगा। जो वहाँ पे ऑनलाइन दिखाएगा तो किसी प्रकार का बंदा आपके यहाँ मैसेज करता है तो आपके नंबर पे या किसी प्रकार का वहाँ पे ऊपर शो करता है तो आपको यहाँ पे फ़ोन में मैसेज आ जाता है। बस गाइस, आप लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं तो उस दो आइकनों को बंद कर सकते हैं। जब भी ऑफ कर देंगे तो बिल्कुल आपके यहाँ पे किसी प्रकार का बंदा या किसी प्रकार गाली गलौज या किसी प्रकार कर रहा है बिल्कुल आपके यहाँ मैसेज शो नहीं करेगा। उसके जरिए आप लोग उसका आसानी से मैसेज बंद कर सकते हैं, यानी कोई बंदा आपके यहाँ जिसी की कंपनी से या कहीं पर किसी प्रकार का मैसेज आ रहा है आपके फ़ोन पर बिल्कुल शो नहीं करेगा, बिल्कुल आएगा ही नहीं, बिल्कुल फेल्ड उधर से दिखाएगा, तो वो सोचेगा कि इसका सिम बंद हो चुका है। इस प्रकार आप लोग आसान से अपने फ़ोन में सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो पर बने वीडियो कंप्लीट एंड देखिए। पहले आप लोग को सेटिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिकली फ़ोन पर दिखाएंगे डेस्कटॉप पर किस प्रकार सेटिंग करना है अपने फ़ोन में। तो गाइस, आप लोग ये वीवो या कोई भी फ़ोन में आप लोग ये सेटिंग है तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप लोगों को मेरा रेडमी नोट 6 प्रो है इसलिए आप लोग रेडमी फ़ोन में दिखाते हैं किस प्रकार आप लोगों को सेटिंग करना होगा। जब भी हम वीवो को फ़ोन जैसे कि परचेज करेंगे तो आपको यहाँ अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि वो सेटिंग कैसे आप लोगों को करना होगा। सारी कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सो गाइस, चलिए बिना समय के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए गाइस, आप लोग अपने फ़ोन सेटिंग में जाना होगा। चलिए अपना फ़ोन सेटिंग ओपन करते हैं। इसे ओपन करेंगे गाइस, आप लोग यहाँ पर देखने के मिल जाएगा एप्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे आप लोग को देखने के मिल जाएगा सिस्टम एप सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन होता है यहाँ पे सारा शो करेगा, तो आप लोग को सिंपली से क्लिक करना है यहाँ पे मैसेज वाला ऑप्शन पे, यानी यहाँ पे मैसेज वाला एप्लीकेशन शो कर रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले नंबर सिम है और यहाँ पे दूसरा नंबर सिम है, तो जो सिम का आप लोग जैसे कि मैसेज बंद करना चाहते हैं ऑफलाइन करना चाहते हैं उसको सिंपली इस पर क्लिक कर देना, बिल्कुल ऑफलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा सिम का भी जैसे कि ऑफलाइन करना चाहते बंद करना चाहते मैसेज इस पर सिंपली से क्लिक कर देना, बिल्कुल ऑफलाइन हो जाएगा। और कोई बंदा आपके यहाँ पे नंबर पे किस प्रकार का मैसेज कर रहा है तो वहाँ पर फेल्ड दिखाएगा, तो उसको ये पता चलेगा कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है या उसका फ़ोन बंद है। इस प्रकार आप लोगों को मैसेज को ऑफ कर सकते हैं या आप लोग आसानी से अपना नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, कोई बंदा आपके यहाँ मैसेज नहीं कर पाएगा। और गाइस, आप लोग इसको ऑन करना चाहते हैं सिंपली से आप लोग क्लिक करना यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक कर देना, बिल्कुल इसका देख सकते हैं एक्टिवेट हो चुका है, यानी बिल्कुल ऑन हो चुका है। किसी प्रकार का कोई बंदा आपके यहाँ मैसेज करता है तो बिल्कुल आपके यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पे दूसरा आप लोग को सेटिंग देखने के लिए मिल जाए, इस पर सिंपली से क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, कोई आपके नंबर जैसे कि ब्लैक लिस्ट में रखे हैं तो इसको ऑन कर देते हैं तो वो बंदा आपके यहाँ मैसेज करेगा तो बिल्कुल फेल्ड दिखाएगा, बिल्कुल उसकी आपके यहाँ मैसेज शो नहीं करेगा। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जो सेटिंग आप लोगों को दी गई है यहाँ पे, आप लोग जो यहाँ पे रेडमी नोट 6 प्रो है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, बट गाइस आप लोग इस सेटिंग को जैसे कि अपना सिंपली से जैसे कि आसान तरीके से करना चाहते थे इस पर मैसेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं, सेम प्रोसेस वहाँ पे यहाँ पे शो करेगा। और गाइस, यहाँ पे आप लोगों को देखने के मिल जाएगा, यहाँ पे डायल पैड में जाते हैं और यहाँ पे आप लोगों को डायल पैड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लैक लिस्ट में आप लोग किस प्रकार का यहाँ से आप लोग ऐड किस प्रकार का नंबर किए हैं यहाँ से नंबर कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर किस प्रकार का एक आप लोगों को नंबर दिखा रहे हैं वो नंबर हम फिल कर देते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर SMS ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जब भी कोई बंदा आपके यहाँ मैसेज करेगा तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर दिखाएगा और यहाँ पे मैसेज शो करेगा। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पे जो सेटिंग है इस फ़ोन में जो आप लोग आसानी से अपने फ़ोन में कर सकते हैं और अपना किस प्रकार का मैसेज जैसे कि बंदा परेशान कर रहा है तो आप लोग अपने मैसेज को ऑफलाइन कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि ये काफ़ी सारी आप लोग बिल्कुल जानकारी समझ में आ गई कि किस प्रकार सेटिंग करना होगा और कैसे ऑफलाइन करना होगा। सारी कंप्लीट प्रोसेस जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल गई होगी। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड आप लोगों को इस चैनल वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। और गाइज, मेरा नाम भी चला तो बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ना नहीं जान सके और वो भी किस प्रकार का जैसे कि अपने मैसेज कोई बंदा आपको उसके यहाँ परेशान कर रहे हैं तो वो भी आसानी से अपने सेटिंग को ये ऑफ कर सकते हैं और कोई बंदा उसको परेशान नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि वो भी नॉलेज ले सके। और गाइज, इस वीडियो में कोई डाउट होगा प्रॉब्लम होता है मेरा वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं,
नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम पॉन ऑफ सेल्टेक, उसमें जाकर फॉलो कर लीजिए, मैसेज करें, उसका रिप्लाई देंगे, अदर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।